कोयला खदानों के विदेशीकरण को लेकर अंबिकापुर में यूनाइटेड फोरम ऑफ ट्रेड यूनियन संगठन के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और कर्मचारियों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना वायरस की आड़ में केंद्र सरकार कोयला खदानों को एफडीआई के माध्यम से विदेशी हाथों में देना चाहती है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि सालों से चली आ रही परंपरा को खत्म नहीं करें, नहीं तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। वो अपने इन कदमों से बाज आए और जो मजदूर और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करे, इसके लिए जो सालों से साल जो कानून बने हुए इन कानूनों को बदलने का अपने प्रयासों से वापस लौटे और साथ ही साथ जिस तरह से सार्वजनिक क्षेत्रों के विनिवेशीकरण की बात चल रही है उससे वो पीछे हटे। अगर वो ऐसा नहीं हटती है तो आगे जाके आंदोलन और तीव्र होगा, हड़ताल और दूसरी कार्रवाइयाँ की जाएंगी।